देश दुनिया के इतिहास में 5 मई का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म आज ही के दिन 1479 में अमृतसर में हुआ था। अमरदास को गुरु अंगद देव ने 73 साल की उम्र में सिख धर्म का तीसरा गुरु घोषित किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स का जन्म आज ही के दिन 1818 में हुआ था। चर्च के वर्चस्व को ढहाने और यूरोप को विज्ञान व बहुसंस्कृति की ओर मोड़ने वाले नेपोलियन का निधन आज ही के दिन 1821 में हुआ था। आज ही के दिन 1912 में स्वीडन के स्टॉकहोम में 5वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तभी से ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह की परंपरा बनी थी। 1926 में आज ही के दिन जर्मनी में पहली बार आइंस्टीन की फिल्म बैटलशिप पोटेमकिन दिखाई गई थी। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक अब्दुल हमीद कैसर का जन्म आज ही के दिन 1929 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध हिंदी गुजराती साहित्यकार और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आबिद सुरती का जन्म आज ही के दिन 1935 में हुआ था। 1936 में आज ही के दिन इटली के सैनिकों ने इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पर कब्जा किया था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। आज ही के दिन 1951 में ब्रिटेन में पहला कंप्यूटर प्रदर्शित किया गया था, जिसे खेलने के लिए बनाया गया था। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर का जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। आज ही के दिन 1961 में अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री कमांडर एलन शेपर्ड अपने अंतरिक्ष यान से अटलांटिक महासागर में उतरे थे। 1980 में आज ही के दिन लंदन में स्थित ईरानी दूतावास को कुछ हमलावरों के कब्जे से आजाद कराया गया था। आज ही के दिन 1994 में ब्रिटेन के स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हराया था। 2003 में आज ही के दिन भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक सिलहट में हुई थी। आज ही के दिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता टोनी ब्लेयर 2005 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। संगीत के जादूगर कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने आज ही के दिन 2006 में दुनिया को अलविदा कहा था। आज ही के दिन 2008 में एनटीपीसी के रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगातार तीसरे वर्ष ग्रीन टेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड मिला था। 2009 में आज ही के दिन पाकिस्तान की स्वात घाटी को तालिबान उग्रवादियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को देखते हुए इलाके के हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। आज ही के दिन 2010 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा विकसित नई पीढ़ी के उच्च क्षमता वाले साउंडिंग रॉकेट को परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। इसे देसी रॉकेटों में अब तक का सबसे भारी रॉकेट बताया गया है। 2010 में आज ही के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने संदिग्ध अपराधियों पर किए जाने वाले नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट जैसी जांच को अस्वीकार कर दिया और इसे निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया था। आज ही के दिन 2007 में इसरो ने दक्षिण एशिया उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ का निधन आज ही के दिन 2017 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।